हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक विद भावना। आज हम बना रहे हैं राजस्थान की प्रसिद्ध मोगर पनीर की सब्जी। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। और उससे पहले, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएंगे। तो चलिए हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं मोगर पनीर की। पनीर की सब्जी बनाने के लिए हम इंग्रेडिएंट एक बार देख लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है धुली हुई मूंग की दाल, जिसे हम मूंग मोगर भी कहते हैं। इसे मैंने एक घंटे के लिए भिगो दिया था। एक कप मैंने यहाँ पर मूंग की दाल ले ली है, जिसे मैंने एक घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था, जिससे ये फूल गया है और अंदर तक सॉफ्ट हो गया है। और यहाँ पर मैंने पनीर ले लिया है 200 ग्राम। ये पनीर मैंने घर पे ही बनाया है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिया है एक हरी मिर्ची को बारीक काट लिया है, और एक इंच अदरक का टुकड़ा मैंने कद्दूकस करके ले लिया है। और यहाँ पर मैंने लिया है एक कप गाढ़ा दही। ये फ्रेश दही है बिल्कुल, और आपका दही खट्टा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ कुछ मसाले ले लिए हैं मैंने। यहाँ एक छोटी चम्मच मैंने जीरा ले लिया है, और आधी छोटी चम्मच मैंने हींग पाउडर ले लिया है, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, और यहाँ पर ले लिया है मैंने एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और एक छोटी चम्मच ही मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर ले लिया है। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ ले लिया है आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, और यहाँ पर मैंने ले लिया है एक छोटी चम्मच नमक। और उसके बाद यहाँ लिया है मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। यहाँ मैंने किशमिश और कुछ काजू ले लिए हैं, ये ऑप्शनल है। और यहाँ दो बड़ी चम्मच मैंने बारीक कटा हुआ धनिया ले लिया है। और घी हमें सब्जी बनाने के लिए चाहिएगा, तो ये सब सामग्री की हमें जरूरत है ये सब्जी बनाने के लिए। तो चलिए अब हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम पनीर को काट लेते हैं। आप अपनी पसंद के टुकड़ों में इसे काट सकते हैं। हमने पनीर काट के तैयार कर लिया है, इस तरह से चौकोर टुकड़ों में काट लिया है हमने इसे। अभी हम इसे घी में फ्राई करेंगे। पनीर को फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में हमने घी गरम करने के लिए रख दिया है। अभी हमारा घी गरम हो जाता है तो हम पनीर इसमें फ्राई करेंगे, और इसी घी में हम हमारी सब्जी भी बना लेंगे। यहाँ 3 से 4 चम्मच मैंने घी लिया है। हमारा घी गरम हो चुका है तो अभी हम इसमें पनीर डाल देते हैं। एक बार में जितने पनीर आराम से इसमें आ जाए उतने ही डालें, ताकि इन्हें फ्राई करते समय ये टूटे ना, क्योंकि पनीर बहुत सॉफ्ट होता है और गर्म होने के बाद ये और भी ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। अभी हमारा पनीर एक तरफ से फ्राई हो गया है तो हम इसे पलट देंगे इस तरीके से, ताकि ये दूसरी तरफ से भी फ्राई हो जाए। अभी हमारा पनीर फ्राई हो चुका है, अभी हम इसे निकाल लेते हैं किसी प्लेट में। ये हमने पनीर निकाल लिया है इसी प्लेट में एक तरफ, और अभी हमारा जो बचा हुआ पनीर है इसे हम फ्राई कर लेते हैं। हमने सारा पनीर फ्राई कर लिया है, और अभी इसी घी में हम हमारी सब्जी बनाएंगे। हमारा घी गरम है, और सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें जो हमने हींग लिया है, हींग और जीरा, ये दोनों डाल देते हैं। ये जीरा हमने इसमें डाल दिया है, और उसके बाद हमने जो हींग ली थी वो हम इसमें डाल देते हैं। और जब इनमें से हल्की खुशबू आने लगे, हल्का फ्राई हो जाए ये, तब हम इसमें थोड़ी सी, बिल्कुल जो लाल मिर्च हमने ली थी उसमें से थोड़ी सी लाल मिर्च इसमें डाल देंगे। और जो हमने मोगर लिया है, मूंग का मोगर यानी धुली हुई मूंग की दाल जो भिगो दी थी हमने, उसे हम थोड़ा थोड़ा इसमें डालेंगे।
और एक बार इसे चला लें, मिक्स कर लीजिए अच्छे से। अभी हमें इसमें मूंग मोगर हल्का फ्राई कर लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। अभी हम इसे ढक के पकाएंगे, ढक के हमें 2 से 3 मिनट इसे फ्राई कर लेना है, अच्छे से पका लेना है सॉफ्ट होने तक। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, हमें स्लो फ्लेम पे हमने इसे फ्राई कर लिया है हल्का सॉफ्ट होने तक। अभी हम इसमें मसाले डाल लेते हैं जो हमने लिए थे, ताकि वो भी हल्के से फ्राई हो जाएं। धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और जो हल्दी पाउडर हमने लिया था वो भी हम इसमें डाल देते हैं और एक बार इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी हम इसमें जो हमने हरी मिर्च और अदरक लिया था वो भी डाल देते हैं इसमें। अभी हमारे मसाले फ्राई हो चुके हैं, तो अभी हम इसमें जो हमने दही लिया था उसे फेंट के डाल देते हैं। तो अभी हम इसमें दही डाल देते हैं जो हमने फेंट के रखा है। अभी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे और आपको फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है ताकि हमारा दही बिल्कुल फटे ना, और लगातार चलाते हुए जब तक इसमें उबाल ना आ जाए इसे लगातार चलाते हुए पकाना है हमें। हमारी सब्जी में उबाल आ चुका है, तो अभी हमें इसे 8 से 10 मिनट तक, जब तक कि हमारा दही अच्छे से नहीं पक जाता है, इसे पकाना है। अभी हम इसे ढक देते हैं एक तरफ से, थोड़ा सा आप खुला रखिए इसे और इसे पकाइए। लगभग 7 से 8 मिनट हो चुके हैं हमारी सब्जी को पकते हुए और जो दही है सब्जी में जो हमने डाला था वो पक चुका है अच्छे से। ये देखिए आप, इसमें जो घी है वो बिल्कुल ऊपर आ चुका है, यानी कि हमारा जो दही है बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। तो अभी हम इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे। यहाँ मैंने लगभग आधा कप पानी डाला है इसमें, और आपको जितनी गाढ़ी ग्रेवी रखनी है आप उसके अकॉर्डिंग पानी डालिए। अभी हम इसे पकने देंगे, फिर से एक बार ढक देते हैं इसे। हमारी सब्जी में अच्छे से उबाल आ चुका है और लगभग इसे 2 मिनट हो चुके हैं उबलते हुए। अभी हम इसमें जो हमने नमक लिया था वो डाल देंगे और जो हमने गरम मसाला लिया था वो भी हम इसमें डाल देंगे और एक बार इसे मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से। इसके बाद हम इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे, काजू और किशमिश, वो भी हम इसमें डाल देंगे। और फिर से इसे एक बार हम मिक्स कर लेंगे। काजू किशमिश आप ऑप्शनल है, यदि आपको पसंद है तो आप डालें सब्जी में। और उसके बाद अभी हमारी जो सब्जी है वो बिल्कुल तैयार है, तो इसी समय हम इसमें जो हमने पनीर लिया है वो भी डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। और अभी हम इसे 1 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। अभी हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है, हम गैस ऑफ कर देते हैं और इसमें हम जो हमने धनिया लिया था वो डाल देते हैं और थोड़ा सा धनिया हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। राजस्थानी मोगर पनीर की सब्जी बन करके बिल्कुल तैयार है और आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है और जल्दी से ये बन जाती है और बहुत टेस्टी सब्जी बन के तैयार होती है। आप इसे रोटी पराठा किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ।